हाय दोस्तों, मैं मनोज सर। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार है। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, कथन वन तथा कथन दो। इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग पर सही उत्तर बताइए। तो देख लीजिए, कथन क्या है दोस्तों। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को उसके क्षेत्र में कुशासन होने के तर्क पे गद्दी से उतार कर कलकत्ता निर्वासित कर दिया, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए कथन दो, नवाब पर यह अभियोग था कि विद्रोही मुखिया और तालुकदारों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ रहे, ये दोनों कथन सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत के तहत महत्वपूर्ण रियासतों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। नवाब वाजिद अली शाह अवध की अंतिम नवाब थे। कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में नवाब को गद्दी से उतार कर कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया और नवाब पर आरोप था कि विद्रोही मुखिया एवं तालुकदारों पर नियंत्रित करने में असमर्थ रहे। तो देखिए, इसे दो क्वेश्चन बन सकता है। व्यापगत का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी। और अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अगला देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है। यहाँ देखिए, राज्य अपहरण नीति की एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राजक्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा से व्यापगत सिद्धांत, ठीक है ना, व्यापगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लिया। इसके अनुसार सुरक्षा प्राप्त राज्य के शासक की मृत्यु पर राज्य उसके दत्तक पुत्र को नहीं सौंपेगा। यह संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की नीति थी। अगला देख लीजिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों को दो कथन है, कथन वन और कथन दो। आपको इन दोनों कथनों के सावधानी परीक्षण करना है और नीचे दिए गए का प्रयोग करके उत्तर चुनना है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ कथन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में किए गए अवध के समामेलन को फलस्वरूप सिपाहियों की आर्थिक अवस्था दुष्प्रभावित हुई, बिल्कुल सही है। दो सिपाहियों को अवध में उस भूमि में जहाँ उनके परिणाम स्वरूप रहते थे ऊंचे कर देने पड़ते थे, ये भी तो कथन एक और दो दोनों सही है। इसके बाद इसकी व्याख्या देख लीजिए, 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत अवध के ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। इसी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप सिपाहियों पर ऊंचे कर आरोपित कर दिए गए, जिसके कारण सिपाहियों की आर्थिक व्यवस्था दुष्प्रभावित होने लगी। अगला देख लीजिए, वर्ष 1798 में लॉर्ड बेलेजरी द्वारा अभिकल्पित सहायक मैत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर है, ब्रिटिश सत्ता के साथ सहायक मैत्री करने वाले राज्य क्षेत्र अपने आंतरिक तथा बाह्य संरक्षण के लिए जिम्मेदार थे, बिल्कुल सही है। गलत है दोस्तों ये। अब देखिए इसकी व्याख्या, सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली ने भारत के देशी राज्यों के संबंध में किया था। इस संधि की विशेषता निम्नलिखित है, राज्य कंपनी की स्वीकृति के बिना शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगा, राज्य अपनी विदेश नीति को कंपनी के सुपुर्द कर देगा, देसी रियासतें अपनी रक्षा के लिए अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसका खर्च रियासत को उठाना पड़ेगा। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ क्या है कि राज्य अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखेगा, कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इस आधार पर राज्य अब आंतरिक और बाह्य संरक्षण के लिए जिम्मेदार नहीं थे। लॉर्ड बेलेजरी द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो देखिए, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना ये नहीं है। तो देखिए, सहायक संधि एक प्रकार का मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत में देसी राज्यों के संबंध में किया गया था। इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। इसमें तय हुआ कि बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ में होगी, यद्यपि ये राज्य उस सेना का खर्च उठाएंगे। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना इसका उद्देश्य नहीं था, क्योंकि यह मुख्यतः साम्राज्य विस्तार पर केंद्रित थी। अगला देखिए, बेलेजली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अंग्रेज अपने सहयोगियों को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, बिल्कुल सही है। सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है, किंतु संधि नहीं, गलत है। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, ये सही है। तो सी सही है, एक और तीन। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, बेलेजली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तें निम्नलिखित थी, अंग्रेज अपने सहयोगियों को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे,
सहयोगी अरे सहयोगी पक्ष न तो किसी शासक के साथ संधि करेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। अगला देखिए, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी तथा सहयोगी पक्ष इसके रख रखाव की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगला देखिए, लॉर्ड बेलेजली ने भारत में अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन कौन से उपाय किए, तो इसमें देखिए सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध। अगला देख लीजिए, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों के इलाकों को हड़पना, तो इसमें क्या सही है, सी 1, 2, 3 सही है। भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 के काल में हुआ। बेलेजली ने फैसला किया कि जितनी अधिक भारत राज्य संभव हो ब्रिटिश नियंत्रण में लाया जाए। अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए बेलेजली ने 3 उपायों को सहारा लिया और सहायक संधि, खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए जा चुकी शासकों का इलाका हड़पना व्यापगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। सहायक संधि प्रथा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए इस प्रथा ने शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना ने अपने राज्य में रखनी पड़ती थी, सही है। इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देगा, ये भी सही है। अगला देखिए, सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्यों की सेनाएं भंग कर देगी, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे देगा, तो डी गलत है दोस्तों। इसके बाद देखिए, लॉर्ड बेलेजली द्वारा आरंभ की गई सहायक संधि प्रथा की नीति के अनुसार सहयोगी भारतीय राज्यों के शासकों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी तथा उनके रख रखाव के लिए अनुदान देना पड़ता था। सहायक संधि के अनुसार आमतौर पर भारतीय शासकों को यह भी मानना पड़ता था कि वो अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखेगा तथा अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी यूरोपी को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके कोई भी भारतीय राज्य अपनी स्वाधीनता लगभग गंवा ही बैठा था। वह आत्मरक्षा, कूटनीतिक संबंध बनाने, विदेशी विशेषज्ञ रखने तथा पड़ोसियों के साथ आपसी झगड़े की अधिकारी खो बैठा था। वास्तव में उस भारतीय शासक की बाहरी मामलों में सारी संप्रभुता समाप्त हो जाती थी। इस प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेना भंग कर दी गई, लाखों सैनिक और अधिकारी अपने पैतृक जीविका से वंचित हो गए, जिससे देश में बदहाली और गरीबी फैल गई थी। मैसूर का टीपू सुल्तान कभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि वह अंग्रेजों के साथ अपने असंभावी युद्ध के लिए अपनी सेना को लगातार मजबूत बनाता रहा। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की थी, इंदौर के होलकर से। क्या है, इंदौर के होलकर से। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डरों को पता चला कि युद्ध के जरिए प्रसार की नीति बहुत महंगी पड़ रही है तथा उनका मुनाफा कम हो रहा है, कंपनी के डायरेक्टरों और ब्रिटिश राजनेताओं ने आगे प्रसार रोक दिए, फिजूल खर्च बंद करने और भारत में ब्रिटेन की उपलब्धियों को सुरक्षित करने का फैसला किया। इसलिए बेलेजली को भारत में वापस बुला लिया गया और कंपनी ने जनवरी 1806 में राजघाट की संधि द्वारा होलकर के साथ शांति स्थापित करके उसके राज्य का एक बड़ा भाग वापस कर दिया। अगला देख लीजिए, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि की सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था, तो हैदराबाद के निजाम ने किया था। लॉर्ड बेलेजली ने 1798 और 1800 में हैदराबाद के निजाम के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि की थी। इसके बाद देख लीजिए, अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य पर अधिग्रहण किया था दोस्तों, तो सिंध पर किया था। किस पे, सिंध पे। 19वीं सदी में यूरोप और एशिया में अंग्रेजी और रूसियों की शत्रुता बढ़ रही थी। अंग्रेजों का भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं, सिंध की विजय इसी का परिणाम था। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में किसने राज्य विलय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ को लागू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने देशी राज्यों के अधिग्रहण के लिए जिस साधन का सहारा लिया हुआ था, राज्य विलय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस सिद्धांत की अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा, जैसा कि सदियों से इस देश में परंपरा चली आ रही थी। इसके बजाय अगर उत्तराधिकारी गोद लेने के एकाधिकार के पहले से ही अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त नहीं होगी तो वह राज्य ब्रिटिश राज्य में मिल जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना, तो सतारा। कौन सा बना था, सतारा। इसके बाद देख लीजिए,